बीते 1.5 साल से जहां रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं कई देश दोनों मुल्कों की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर इस युद्ध को और हवा पानी देने का काम कर रहे हैं। जहां एक ओर यूक्रेन पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, तो वहीं रूस की मदद के लिए उसका दोस्त आगे आया है। ये वही दोस्त है जिसके तानाशाह रवैये से कई पश्चिमी देश भी थरथर कांपते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस रवाना हुए हैं। किम जोंग उन किसी प्लेन या हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि अपनी स्पेशल ट्रेन से उत्तर कोरिया के प्योंगयांग से रूस जा रहे हैं। हालांकि इन जानकारियों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन अपनी खास ट्रेन से रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिका ने इस मुलाकात को लेकर पिछले हफ्ते ही दावा किया था कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच विशेष मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को हथियारों की सख्त जरूरत है, ऐसे में वो उत्तर कोरिया के साथ हथियारों को लेकर सौदा कर सकता है। जहां एक ओर रूस को हथियारों की जरूरत है, तो वहीं उत्तर कोरिया को आर्थिक बदहाली के कारण पैसों की। वहीं इससे तो दुनिया वाकिफ है कि उत्तर कोरिया के पास बम और तोपों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में दोनों मुल्क एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई बड़ी डील कर सकते हैं। अगर ये डील होती है तो यूक्रेन की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ने वाली हैं।